राघवी थाना क्षेत्र के घटिया घोंसला में इन दिनों चोर पुलिस का खेल जमकर चल रहा है। जी हां, पुलिस जितनी मुस्तैदी से चोरों को पकड़ने में लगी हुई है, उतना ही पुलिस को चकमा देकर चोर अपनी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये खेल कब खत्म होगा। राघवी थाना क्षेत्र के घटिया घोंसला नगर में लगातार बढ़ रही चोरियों से आम जनता में खौफ का माहौल बन गया है। बीते 15 दिनों में नगर में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी है। खास बात यह है कि अधिकतर जगहों पर जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात घोंसला पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह भदौरिया को रात में दरवाजा खटखटाने की सूचना मिली, जिस पर दोनों पुलिसकर्मियों ने सर्चिंग शुरू की। इस दौरान चार लोगों और पुलिसकर्मियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें चोरों ने जमकर पत्थरबाजी की और अंधेरा होने की वजह से सभी चोर बड़ी पुलिया से नीचे के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से घोंसला नगर में तो कोई बड़ी घटना होने से बच गई, लेकिन घोंसला से 2.5 किलोमीटर दूर सुबह करीबन 4:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी इको कार चोर चुरा ले गए। मजेदार बात यह है कि वहां भी सीसीटीवी फुटेज में चोर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरों में पुलिस का कोई भय नजर नहीं आ रहा है, जिससे जनता में भय का माहौल पैदा हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर रात में पुलिस नहीं आती तो बड़ी घटना घट जाती। आमना सामना हुआ तो पुलिस ने उनको खदेड़ा, तो वहां से पीछा करते हुए वो शहर के बाहर भाग गए अंधेरे में। कस्बे वालों ने पीछा किया, पुलिस ने काफी ढूंढा, आज सब बदमाश मिले, लेकिन संभवतः उन्हीं बदमाशों ने एक कार घोंसला से 3 किलोमीटर दूर पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी थी शंभू सिंह जी की एक स्पोर्ट, वो उसका लॉक तोड़ के गाड़ी को ले आने से पकड़ा। सर, ये जो घटना घटी और कहाँ कहाँ स्थल पर घटी है? घटना ये पेट्रोल पंप सवारिया पेट्रोल पंप पे को स्पोर्ट से यहाँ ले गए हैं, और ये घोंसला में जो है वो नरेंद्र सोनी की दुकान के आसपास चोटें दिखा गई पुलिस को, तो जैसे पुलिस ने इनका संदेह होने पर उनको ललकारा,